वहीं मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब सरकार का ध्यान कोरोना जैसी महामारी में उपचुनाव कराना है। 24 सीटों में 16 सीट आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल संभाग से है। इन उपचुनाव में किस तरह की चुनौतियां सामने आएंगी, इस पर कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया से खास बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता अनुपमा सिंह ने। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया जी, उनसे जानेंगे कि अब जो उपचुनाव है उनमें क्या रणनीति रहेगी। सत्ता परिवर्तन में आपका बहुत बड़ा हाथ है, अब 24 सीटों पे उपचुनाव है और सबसे ज्यादा जो 16 सीटें हैं वो चंबल ग्वालियर चंबल से हैं, आप वहीं से आते हैं तो क्या रणनीति रहेगी? एक्चुअली हमारे लाडले नेता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चंबल में जिनके दम पे कई सीटें जीत के आए थे, ऐसे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनके नेतृत्व में और संगठन की कार्य योजना के नेतृत्व में वी डी शर्मा जी हमारे अभ्यास जी, जनता के बूथ पर कार्यकर्ताओं के द्वारा जनता के हितों की योजनाओं को नीचे तक ले जाके ठीक से रणनीति करके भारतीय जनता पार्टी का कैडर बेस मास ऑर्गेनाइजेशन है, तो विनम्र जनता के प्रयास से हम लोग चंबल के 16 की 16 जीतेंगे। बाकी जो बची हुई है वो सीटें भी भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान हमारी जनता है तो जनता रूपी भगवान की कृपा से 100% जीत के आएंगे। विनम्रता के साथ हम लोग जाएंगे घर घर, द्वार द्वार जाएंगे, डोर टू डोर, मैन टू मैन, हर टू हर संवाद संपर्क करके हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। आप क्षत्रिय समाज से आते हैं, अधिकतर वोट जो ग्वालियर चंबल में है वो उसी समाज को लेके है, तो और उस जगह पर भी सामाजिक मतलब जातिवाद तरीके से वोटिंग होती है, ऐसे में कड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कई जो विधायक हैं अभी मंत्री भी बने हैं उनको उनके विधानसभा क्षेत्रों से वापसी मिली है। एक्चुअली मैं तो सब समाज का आदमी हूँ, मैं हिंदुत्व का आदमी हूँ, मैं संघ का प्रचारक रहा करीब 14 साल, क्योंकि सब समाज को करे संगठित आगे ही बढ़ते जाना, लेकिन संगठन में भी सरकार ने भी सोशल इंजीनियरिंग के लिए किया, जाटव समाज की यूनिवर्सिटी देवी जी को बनाया, डाकर समाज के भी पौधे से बनाए, फिर हमारे यादव समाज को भी मोबाइलों से लिया है, फिर हमारे छत्तीस समाज से भी 2-3 लोग आए, ब्राह्मण समाज से दंपत्य साहब को बनाया है, तो OBC SC सवर्ण जिनको तथाकथित कहते हैं, तो सब समाज का प्रतिनिधित्व सरकार में है और किया भी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सब समाज का वोट मिलता है, इसलिए जातिवाद को आगे न बढ़ाते हुए विकास बात को बढ़ाते हुए हम लोग आगे जाएंगे। जो अभी मंत्री बने हैं, जिन जिन लोगों को मंत्री बनाया अधिकतर वही लोग हैं जो बागी थे, और उन उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए इन सबको मंत्री बनाया, तो इस चीज का भी फायदा मिलेगा? स्वाभाविक रूप से जब किसी क्षेत्र की जनता को मिनिस्टर मिलता है तो विकास के पैमाने ज़्यादा तेज गति से खुलते हैं, उस क्षेत्र की जनता के चुनाव प्रतिनिधि आए हैं तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है इनको उस सबका भी लाभ मिलेगा, लेकिन संगठन के कैडर की बड़ी ताकत खड़ी है, तो भारतीय जनता पार्टी एक संगठन बेस है, कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए कैडर के माध्यम से हम लोग जीतेंगे और ये सब कुछ स्वच्छ छवि को आगे ले जाते हुए हम लोग उसका प्रयास करेंगे और 100% हम लोग विजित होकर आएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अरविंद भदौरिया जी जिनका कहना है कि जो उपचुनाव होंगे उसमें 16 की 16 जो चंबल की सीटें हैं वो भाजपा जीतेगी। DNN के लिए सईद खान के साथ